एक मेरी सिस्टर कह रही थी कि आप अपने टब को भी साफ कर लें, ग्रीन हुआ पड़ा है। तो जी सिस्टर, आज देखिए मैंने टब को अच्छे तरीके से धोकर साफ किया है, अब बिल्कुल साफ हो गया। अभी ये मैं धो रही हूँ दोरी डंडा। ये फातिमा अभी क्या कर रही है? मैं किचन बनाने बनाऊंगा। अच्छा, आप ही किधर है? आप ही उधर काम कर दी थी ये। अच्छा, ये फातिमा अभी चावल बना रही है, किचन चिकन बिरयानी बनाऊं मैं। अभी मैं चावल धो रही हूँ, चावल मैं पहले ही धोकर और भिगो कर रखती हूँ। सारी चीजें मुझे पहले धोनी पड़ती हैं, क्योंकि मिट्टी पड़ के सारी खराब हुई पड़ी होती हैं। अब माशाल्लाह से सबको धो लिया है और फातिमा तो मुझसे पहले ही आके बैठ गई है। फातिमा, आपने चावल बनाने हैं? अच्छा ठीक है भाई, मैं हलाई रख सू, बनाई रख से। चलो ठीक है, चलो एक पीढ़ी मेरे लिए भी लेके आओ, मैं कहाँ बैठू, जाओ ले आओ। नहीं उधर नहीं बैठा जाता, वो गल्ला है, उधर हम चीजें रखते हैं, वो टूट जाएगा। फातिमा जाओ, आप अपने लिए और ले आओ, मैं ये ले लेती हूँ, ये बड़ी है। ठीक है फातिमा, मूड़ा लेके आ गई। जो फातिमा का मूड़ा भी लाल है और फातिमा ने आज सूट भी लाल पहना हुआ है ना, क्या बात है फातिमा तेरी तो। माचिस भी ले आओ, हमने आग जलानी, जाओ बोटियां। हाँ ऐसे जलाते हैं वो तो मुझे पता है। आज की खाना है फातिमा? पुलाव मटर नहीं, बोटियां वाले चावल है। बोटियां क्या चावल खाने ने, इधर देख के बताया करो। बोटियां वाले चावल है। अच्छा आपको पसंद है? फातिमा को बोटियां बहुत पसंद है, आज फातिमा की फरमाइश पर हम बना रहे हैं बोटियों वाले चावल। चलो अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से जबरदस्त हूँ। मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहें, और जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुमामीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम एक खास रेसिपी बना रहे हैं फातिमा की फरमाइश पर, बोटियों वाले चावल। फातिमा को बहुत ही चावल पसंद है और बोटियाँ भी, तो आज मैंने कहा कि जो फातिमा कहेगी वही हम बना देंगे। और माशाल्लाह से मौसम भी ठंडा बना हुआ है, आज रात को भी हल्की हल्की सी बारिश हुई थी। पहले हमने इधर तिरपाल डाली हुई थी किचन पर, अभी मैंने उतारी है। फातिमा बैठ गई हो चावलों का इंतजार करने, है ना? अच्छा बड़ी जल्दी है, भूख लगी है? ये क्या है, मोबाइल है तेरा? अच्छा, फातिमा ने एक अपना छोटा सा मोबाइल भी बनाया हुआ। किससे बात कर रही हो फातिमा? अली अल्ले। अच्छा तो माशाल्लाह से सारी चीजें भी मैंने तैयार कर ली है। ये मसाला बना पड़ा है सारा, सबज मिर्चें, ये टमाटर और लहसुन है, इसको भी मैंने धोकर रख लिया है। अदरक भी है इसके अंदर, ये दोरी डंडा भी धो लिया है और चावल तो मैं पहले ही भिगो कर रखती हूँ। बाकी नमक मिर्चों वाले डब्बे भी आए पड़े हैं और साथ में फातिमा की गुड़िया भी पड़ी हुई है। अभी बोटियाँ जो है ना वो अंदर पड़ी हैं, वो मैं उठाकर नहीं लाई क्योंकि बाहर कौवे आ जाते हैं। पहले इसको मैंने कहा कि बोनी लगा लूँ, मिसाले सारे काट कर, उसके बाद फिर वो हम उठा लेंगे अंदर से। बाकी सारी चीजें तो तैयार है। काका सो गया तेरा? अच्छा, फातिमा गुड़िया की जान नहीं छोड़ती, हर वक्त इसे उठाए रखती है, अपने जैसी है ना। दो लगा के दो। फातिमा बड़ी अच्छी बच्ची है, सारे काम कर लेती है ना। फातिमा आज सोने कपड़े पाए ना? ठीक है, आले पाए जुत्ती पाई।
भी पाए हैं। कपड़े भी पाए, नाती है। हाँ फातिमा आज अच्छी बच्ची बन के बैठ गई है। ये आपकी जो है चावल तो खाने आ रहे फातिमा ने, इसीलिए जल्दी जल्दी नहा के आ गई है। हाँ जी, कि मुझे बना के दो, हर चीज उठा के दो, आग भी जलाओ, लकड़ियाँ डालो। कितने डलीजियाँ खिलोती है फातिमा? कभी उर्दू बोलना आता नहीं है, कभी मेरे सामने उर्दू बोलने लग जाती है, कह रही लकड़ियाँ डलीजियाँ खिलोती है। लकड़ियाँ पा, हूँ लकड़ियाँ पा, लकड़ियाँ पा। और अभी मैंने ये सबक सीखी है, अभी इसमें टमाटर काट रही हूँ। सारी चीजें जो है ना पहले बनी पड़ी हो तो फिर आसानी से बंदा जल्दी जल्दी बना लेता है। अच्छा, गुड्डी भी सोने कपड़े पाई खलोती है जी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ घी, घी जो ना थोड़ा सा जम गया है क्योंकि माशाल्लाह से आज थोड़ी सी ठंड भी है। इस तरीके से मैं इसको निकालूं। अच्छा, लेने लगी हुई है, लेने लगी हुई है। बड़ी सोनी है, खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अभी हम जलाएंगे आग, लकड़ियां मैंने सारी चूल्हे में डाल ली हैं। तो माशाल्लाह से आग जल गई है। अभी हम ऊपर चढ़ाएंगे देज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी प्याज जो है ना हम ब्राउन करेंगे, आग नीचे जलाते रहेंगे, तब तक फातिमा और मैं बैठ जाते हैं। फातिमा धुआं आ रहा है, थोड़ा सा पीछे होके बैठ जा, पीछे होके बैठ जा। हवा भी है तो इसलिए धुआं भी आ रहा है। अभी अम्मी जी लेकर आ रही हैं पानी, क्योंकि पानी मैं भूल गई थी, बाकी सारी चीजें तो आ गई हैं। तो अम्मी जी जो है ना रोटियां बनाती हैं, चावल ज्यादातर मैं बनाती हूँ। तो अभी मैं, अम्मी जो है ना मेरी हेल्प कर रही हैं, जो चीजें नहीं है मेरे पास। बैठ जाए अम्मी। छुरी हेलो फातिमा, क्या खा रही हो? बटन की तू चाय है ना, मुंह में ना डालना, आई हो जाती है। फातिमा फेंक दो। तो माशाल्लाह से प्याज कितने ब्राउन हो गए और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अभी मैं इसमें डालूंगी दूसरा मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर खड़े होकर भी पकाया जा सकता है क्योंकि चूल्हा काफी ऊंचा है। जब देख के मैं देखना होता है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। फातिमा सबक पढ़ रही है, अल्फाबे जीम खा। साफ किताब पे सबक पढ़ रही है, अभी भी सीख रही है जी सबक पढ़ना। अच्छा अली, तो माशाल्लाह से सबज सलाद तो मैंने डाल ही दिया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये लाल मिर्च, ये मैं थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि सबज भी डाली है वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, और फिर फातिमा ने खाने हैं तो उसके मिर्चें लगती हैं। अभी हम इसमें रात में डाल देते हैं नमक, नमक थोड़ा सा ज़्यादा चावल लेते हैं। हल्दी मैं नहीं डालती क्योंकि हल्दी डाल दें चावलों का रंग जो है ना हल्दी जैसा ही हो जाता है। पीछे वाला पीछे आ गया। मैं अकाल ना हूँ, आया ही कटलरी। बोल बोल। फातिमा क्या कर रही हो? ना ये टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी। हमने इतनी मेहनत की है ये तोड़ने के लिए किया है। नहीं फातिमा ऐसा ना करो, अपनी किताबें उठा लो और चार पाई के ऊपर बैठ के पढ़ो। मैं आपके ना आके सबक सुनती हूँ, सबक याद दिया ठीक है, उधर बैठो मैं आती हूँ। तो माशाल्लाह से मसाला हमारा सारा तैयार हो गया। अभी मैंने अम्मी जी से कहा कि मुझे गोश्त खा के दें, ये मैंने पहले धोकर रख दिया था। अभी मैं इसमें ये डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गोश्त को हम अच्छी तरीके पहले मसाले में भूनेंगे क्योंकि इसमें से फिर स्मेल नहीं आती। फातिमा क्या लेने आई है? मैं रोटी। रोटी खाऊं? अच्छा हमारा गोश्त जो है ना भून चुका है। फातिमा कह रही मुझे एक आपकी रोटी दे दो। चलो फातिमा को हम दे देते हैं, फातिमा को भी खुश करना होता है, ऐसे भी फातिमा के लिए बन रहे हैं। चलो ये लो गरम है, अम्मी जी के पास ले जाओ, आपको वो खिलाएंगी। ठीक है चलो नमक भी ले जाओ, नमक लगा के उधर बैठ जाओ। फातिमा मेन्यू भी दे सके नहीं और अपनी आंटी को? आंटी को दे, आंटी ने भी दे सके। चलो कौन सी बोटी दोगी आंटी को बताओ? आई बोटी। ये या ये? आई। अच्छा चलो बड़े उंडी आई खा ला। चलो तो माशाल्लाह से हमारा गोश्त और मसाला कितना अच्छा भून चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी पानी। चावल जो है ना हमारा एक किलो था, ये एक गडवी, तो मैं अपने हिसाब से पानी डालूंगी। पहले चावल भिगो कर भी रखे हुए तो ये मैं डेढ़ गलवी डाल दूंगी क्योंकि गोश्त भी है उसने भी फिर गलना है। ये घर के चावल हैं, ये थोड़ा सा कम पानी लेते हैं, बस इतना काफी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पानी हमारा उबलने लग गया है। पानी मैंने ये चावलों का देखें जी गिरा लिया है। अभी मैं इसमें सारे चावल जो है ना वो डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं फातिमा कच्चे चावल नहीं खाने। फातिमा भाई मेरा कहना नहीं मानती, थोड़ा सा उठाना। चलो खाओ 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 जल्दी करो, नीचे गिर जाएंगे। चलो बस पीछे बढ़ो पीछे। फातिमा कहती बस जो चीज हो मुझे मिले मैं खाऊं, बस नहीं खाने। नहीं नहीं हाथ ना छंडो, फातिमा कहती अब मेरा दाल लग गया है, मैं उधर बात कर रही हूँ तो पीछे से चीजें खाना शुरू कर देती है। तो माशाल्लाह से सारा पानी खुश्क हो गया है। अभी मैं इसको लगाऊंगी दम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये पोना जो है ना मैंने गीला कर लिया है। और फातिमा पता ही क्या कर रही है? फातिमा शाम की नमाज पढ़ रही है, दुपट्टा करके नमाज पढ़ती है फातिमा। अभी ये दोरी जो है ना ऊपर दी, ये वजनी चीज दी है ताकि जल्दी हमारे चावल तैयार हो। और चल सजदे जाओ, आराम से नमाज पढ़ते हैं फातिमा, ऐसे नहीं अल्लाह पाक फिर मारता है। सीधी होके नमाज पढ़ो, फिर दुआ करनी है आंटी। तो जी अभी फातिमा ने नमाज पढ़ ली है तो अब दुआ करेगी फातिमा, अपनी आंटी के लिए दुआ करनी है। बोलो अल्लाह ताला आंटी इफ्रा को सेहत दे, और जो भी परेशानियां हैं दूर फरमाए, और प्यारा सा बेटा भी दे। आमीन आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन। तो माशाल्लाह से अभी 5 मिनट हो गए, अभी हम दम खोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफी टाइम हो गया और भूख भी लग रही है फातिमा को। माशाल्लाह माशाल्लाह चावल हमारे, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम भी मैंने थोड़ा सा जल्दी खोल लिया क्योंकि फातिमा कह रही थी आप ही मुझे बोटी दो बोटी। फातिमा ये बैठे हुए चार भाई थे। हाँ जी, और ये अम्मी जी साथ में अपना हुक्का बना रही हैं। अबू जी भी आने वाले हैं, ताया अबू भी। ये हम ठंडे करेंगे फातिमा, अभी नहीं खाने, थोड़ी देर इनको ठंडा होने दो, बड़े गर्म है। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम सब मिलकर खाना खाने लगे हैं। अगर आप सब में से भी किसी ने खानी हो बिरयानी तो मोस्ट वेलकम, हमारे पास आकर खा सकते हैं। तो वीडियो भी हमारी काफी लंबी हो रही है और शाम का टाइम हो गया है। हाँ जी, और ठंडे होंगे।
भेने माई फिर खा लवे। तो फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज करो। आंटी से बोलो चावल खाने हैं तो खा लो, खा लो चावल। आंटी चावल खाने? हाँ जी खाने हैं, चलो आप खा लेना। पास आके खा लो, हमारे पास आके खा लो।